फिलहाल जैसा कि अपडेट लगातार मिलती चली जा रही थी कि यहाँ पर गोवा पुलिस पहुँचने वाली है। जी हाँ, गोवा पुलिस पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सारे परिजन यहाँ पर मौजूद है और लगातार तस्वीरें मैं आपको इनके बिल्कुल ठीक फार्म हाउस से दिखा सकती हूँ, जिसका लगातार जो है वेट हो रहा था कि अभी पुलिस कब पहुँचेगी, कब यहाँ पर परिजन आने वाले हैं जो इनके साथ गए हुए थे। लगातार तस्वीरें शायद आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पर इस वक्त सभी मौजूद है। जी हाँ, बात कर लूँ मैं रिंकू ढाका की या फिर वतन ढाका की, सब लोग यहाँ पर, उनके दोनों छोटे भाई पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गोवा पुलिस जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ। आगे जो है गोवा पुलिस की गाड़ी है, जिसमें शायद 3 से 4 पुलिस कर्मचारी बताए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से जो है पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब देखते हैं कि आखिरकार जो खुलासा होने वाला है, जिस तरह से बार बार ट्विस्ट मिस्ट्री में आया जा रहा था, अब उस ट्विस्ट में क्या एक और नया ट्विस्ट आने वाला है और किस तरह का खुलासा जो है गोवा पुलिस करेगी। फिलहाल ये देख लीजिए, आपको लाइव तस्वीरें नजर आ रही होगी। इस वक्त जो है आपको दिखा सकती हूँ फार्म हाउस से तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप HHTV न्यूज़ के माध्यम से तस्वीर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर CBI जांच की जो है मांग की जा रही थी। लेकिन CBI जांच तो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर गोवा की पुलिस पहुँच चुकी है। चारों तरफ आपको नजर आ रही होगी कि गोवा की पुलिस यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह का खुलासा आज यहाँ पर होने वाला है और गोवा पुलिस इस बार क्या जो है यहाँ पर सर्च आउट करने वाली है और किस तरह के जो सबूत है वो जुटाने वाली है। फिलहाल यहाँ पर पुलिसकर्मी तो पहुंच चुकी है और सभी मीडियाकर्मी ने इन्हें घेर लिया है। अलग अलग सवाल इनसे किए जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह के सबूत अभी तक इन्होंने जुटा लिए और किस तरह के सबूत अभी जुटाने बाकी हैं, किस तरह से जो है बड़े बड़े खुलासे किए जाने वाले हैं, खुलासों में आखिरकार क्या निकल कर आएगा अभी देखना फिलहाल ये बाकी है। पुलिस कर्मचारी यहाँ लगातार मौजूद है और पूरे मीडियाकर्मी जो है लगातार ये सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह के सबूत यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं, किस तरह जो है सारे सबूत मिलेंगे और क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं इनके दोनों भाई जो है आपको नजर आ रहे होंगे, जीजा जी इनके साथ मौजूद है। जीजा और दोनों भाई यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सारे मीडिया कर्मी यहाँ पहुंच चुके हैं। एक बार राहुल आप उस तरफ जाकर दिखाइए कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। गेट यहाँ पर बंद कर दिया है, मीडिया कर्मियों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, लेकिन आप लाइव तस्वीरें शायद देख पा रहे होंगे इस वक्त कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है, किस तरह की जो है जांच पड़ताल होने वाली है, कार्रवाई किस तरीके से चलेगी। अभी लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ बिल्कुल ठीक फार्म हाउस की। जी हाँ, सोनाली फोगाट जी के फार्म हाउस, जिसका सभी को काफी देर से वेट था कि कब जो है इनका सबूत जो है मिलने वाला है और कब जो है गोवा पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। जैसा कि कल यहाँ पर सुबह 11:30 बजे पुलिस प्रशासन पहुंच चुका था और रात 11 बजे तक जो भी सर्च आउट किया गया, उस सर्च आउट में ये मिला कि शिवम जो यहाँ पर ऑपरेटर बताया जा रहा था, वो ऑपरेटर ही जो है यहाँ का सारा सामान चोरी कर ले गया था। आखिरकार उसे सामान चोरी करने के लिए किसने कहा, ये सवाल जब उससे किया गया तो सवाल का जवाब उसने दिया कि सुधीर सांगवान ने मुझे ऐसा कहा और मैंने डर के मारे ये काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा घबरा गया और सामान को चोरी करने के लिए मजबूर हो गया। ये लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं। आखिरकार इस वक्त जो हूँ मैं शिवम की बात कर रही थी, लेकिन फार्म हाउस में मैं पहुंच चुकी हूँ और तस्वीर आपको दिखा पाऊंगी बिल्कुल लाइव। सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पहुंच चुका है। इस वक्त यहाँ पर SHO मनदीप जी पहुंचे हुए थे और SHO की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना बयान दे दिया है, लेकिन आखिरकार क्या होने वाला है। फिलहाल सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है और सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आखिरकार जांच पड़ताल में क्या निकलने वाला है, सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल ये है। लेकिन देख लीजिए फार्म हाउस में पहुंच चुके हैं और सारे पुलिस प्रशासन जो है इकट्ठा हो गया यहाँ पर और वहाँ पर एक बार देख लीजिए जो अभी हम लोगों ने SHO साहब से बात की, बयानबाजी जो रही कि आखिरकार किस तरह के सबूत इकट्ठे करने वाली है, तो लाइव तस्वीर आप उसमें देख सकते हैं। एविडेंस जुड़ने के लिए आए हैं, जो जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी मुकदमे संबंधित जो लिंक एविडेंस जुड़ेगी उस संदर्भ में ही आए हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। संत नगर की कोठी में भी जाएंगे फिर अभी? यस, इसके बाद रोहतक भी जाएंगे क्या? वो मेरे को कन्फर्म नहीं। ठीक है, चलिए। फिलहाल हिसार के जो इंस्पेक्टर हैं सदर थाने के, वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जांच में सहयोग कर रहे हैं। जो भी गोवा पुलिस को सहयोग की जरूरत है,
अभी जो है अपडेट फिलहाल ये देती हूँ, 15 से 20 मिनट मांगे गए हैं। इसके 15 से 20 मिनट के बाद जो है इनकी जो भी आगे क्या अंदर जांच पड़ताल हुई है, किस तरह की कार्रवाई की गई है, उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन लाइव अपडेट मैं अभी फिलहाल दे दूँ, अभी जो जानकारी मिल रही है 15 से 20 मिनट मांगे गए हैं। क्या देखते हैं कि 15 से 20 मिनट बाद आखिरकार किस तरह के सबूत जुटाए जाते हैं और क्या कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है। गोवा पुलिस फिलहाल यहाँ पहुँच चुकी है और अभी फिलहाल जो टाइम है, जो सभी लोगों को वेट था कि आखिरकार किस तरह का जो है सबूत यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं, तो ये लाइव तस्वीरें देख लीजिए, आपको शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से कोई ना कोई कार्रवाई जो अभी होने वाली है, सबूत इकट्ठे होने वाले हैं, वो लगातार आपको मिलते नजर आएंगे। यहीं पर उनके स्टेटमेंट लेने के लिए आए हैं, उनकी जांच करेंगे और संतरगढ़ वाली कोठी ऊपर जांच करेंगे, डॉक्यूमेंट की जो भी इन लोगों ने है हम लोग उनका कोऑपरेट करेंगे। क्या गोवा पुलिस ने आपको कहा है कि क्या सर्च करना है, किन लोगों से पूछताछ करनी है, और क्या शिवम जो आपने डिटेन किया था DVR और जो लैपटॉप चोरी के मामले में, क्या उससे संबंधित भी जाँच करेगी? शिवम वाले से संबंधित जाँच हम कर रहे हैं, उसने चोरी किया है या ऑर्डर के कारण चला गया था, उसकी जांच अभी चल रही है। DVR हमने यहाँ से बरामद कर लिया था, और लैपटॉप और फोन से हमने बरामद कर लिया। कितने DVR मिले थे? यहाँ 4 DVR हमें मिले थे। और कितने एक्टिव हैं, कितने कब तक चल रहे थे? वो अभी फॉरेंसिक भेजेंगे उनको, पता लगेगा कि कितने एक्टिव कितने चल रहे हैं। तो गोवा पुलिस ने क्या कहा है कि यहाँ भी बयान दर्ज करने हैं या कुछ और भी चीज़? गोवा पुलिस यहाँ परिजनों के बयान लेने के लिए और अन्य तथ्यों पर जाँच करने के लिए यहाँ आई। तो ये जो ताला लगा है, ये चाबी किसके पास है? यही जांच कर रहे हैं, ये जो पहले गुड़गांव फ्लड की चाबी तो सुधीर के पास ही थी, इन्होंने ले ली थी। यहाँ परिजन बताएंगे किसके पास की। क्या गोवा पुलिस ये भी बताई है कि सुधीर भी आया है, कुछ ऐसा बताया इन्होंने? सुधीर नहीं है, इन्होंने 3-4 टीमें बना रखी हैं, सुधीर के साथ एक टीम है और वहाँ तथ्य जो डालेंगे दूसरी टीम है, ये लोग इस बात की जाँच करने लिंक जुड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सुन सकते हैं। फिलहाल ये हमारे साथ SHO साहब मौजूद थे, जो हिसार के ही बताए जा रहे हैं, हिसार के ही डिपार्टमेंट से SHO साहब यानी मनदीप जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अभी कुछ बताया इस बारे में, जानकारी दी कि आखिरकार क्या होने वाला है और अभी तक क्या क्या जांच कर ली गई है। DVR जो है इन्होंने बताया 4 जो है बरामद हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये बताया नहीं जा सकता कि कौन से एक्टिव हैं और कितने जो हैं एक्टिव नहीं है। फिलहाल लाइव खबरें मैं आपको दे सकती हूँ, इस वक्त सोनाली फोगाट जी के फार्म हाउस पर मौजूद हूँ और लगातार जाँच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा है कि ये सोनाली फोगाट जी का जो है कॉटेज है, जिसके अंदर जो है इस वक्त काफ़ी बड़ा डिसीजन चल रहे हैं। ये कहा जाए जितने भी लोगों से सोनाली फोगाट जी के मरने से पहले जितने भी लोगों से बातचीत हुई थी, वो सब इस वक्त इसके अंदर मौजूद है, और साथ ही साथ पुलिस जो है यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन भी अंदर मौजूद है। आखिरकार किस तरह की बातचीत चल रही है, वो जानने की पूरी कोशिश की जाएगी जब ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है जितने भी जो है आगे कार्रवाई होने वाली है, वो इनकी बातों पर ही होने वाली है कि किस तरह के बयान जो है यहाँ पर देते हैं। उस तरफ थोड़ा सा राहुल, उस तरफ जाओ, नीचे उतर कर और दिखा दो कि आखिरकार अंदर कौन कौन इस वक्त मौजूद है इस कॉटेज के अंदर। जी हाँ, ये सोनाली फोगाट जी के फार्म हाउस के ही बीच का एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पर इस कॉटेज को बनाया गया। इसी कॉटेज के अंदर बैठकर सभी लोग जो है अपना डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसे ना जूम करके दिखा दो कि आखिरकार अंदर कौन कौन इस वक्त मौजूद है। जहाँ तक तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जब आपने देखा था कि यशोधरा जब अपनी मामा को अग्नि देने गई थी, तो उस वक्त जो है एक भैया उनके साथ मौजूद थे, जो चाचा या मामा के लड़के बताए जा रहे थे, वो भी इस वक्त इसके अंदर ही मौजूद हैं। इनके साथ साथ वतन ढाका जी की बात करें या रिंकू ढाका जी की बात करें या फिर कहा जाए कि उनके जीजा जी, तो सभी लोग उसके अंदर मौजूद हैं। इनके साथ साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या ये कहा जाए घर के बड़े लोग जो होते हैं, वो सब इस वक्त मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत है। इतना जाँच पड़ताल होती रहेगी और जाँच पड़ताल हो भी रही है, कभी किसी रूम में तो कभी किसी रूम में जाकर SHO मनदीप जी लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ, वो जाँच पड़ताल कर रहे हैं। गेट को जो है बंद कर दिया गया है और इसके अंदर जो है पुलिस प्रशासन जा चुकी है, आखिरकार किस तरह का सबूत जुटाने वाली है। अभी तक जिन रूम में उन्होंने तलाशी की है या ये कहा जाए जिस रूम में उन्होंने छानबीन की है, उस रूम में उन्हें किस तरह की जानकारी जो है मिली है, वहाँ गए उन्हीं से बात हुई। तो क्या जो यहाँ पे कर्मचारी था शिवम, उससे भी बातचीत करेगी गोवा पुलिस, क्या उन्होंने कहा है, कोई जानकारी दी है? वो तो देखो अभी तक मेरे को पता नहीं क्या किससे पूछेंगे। तो ये देखो अभी तो हमें मुलाकात ही बात ही नहीं उनके साथ। देखो अभी गोवा पुलिस आई है, अभी वो थोड़ा सा चाय पानी पिला रहे हैं, रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद बयान लेंगे, उसके बाद पता चले क्या पूछना चाहते हैं वो। सदर थाना में आपसे बातचीत हुई तो? नहीं, सदर थाने में तो वही चीज रिपीट कर रहे थे जो इन्होंने एप्लीकेशन दे गया था भाई गोवा, उसी चीज के बात कर रहे थे, अभी तक कुछ नया नहीं पूछा उन्होंने। आपने क्या मांग रखी है गोवा पुलिस के समक्ष? अभी उनसे मेरी डिस्कशन नहीं, अभी करेंगे बात। अभी बस आए, अभी आपके सामने है जी, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, अभी 15-20 मिनट के बाद मैं यहाँ पर अध्यक्ष जी आ रहे हैं, प्रकाश धनखड़ जी, उनसे आप भी ये सवाल पूछ रहे हो और मैं भी पूछूंगा,
भाई हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, फिर ये सीबीआई को ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है? वहाँ के मुख्यमंत्री बोले जरूरत पड़ी तो, हम तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं प्लान मर्डर है और अभी भी बोल रहे हैं प्लान मर्डर है और सारी सुई एक जगह अटका दी गई है भाई, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, इसके आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा भाई, क्यों मारा? कोई ना कोई तो है भाई जिसने कहा है उसको बीमारी, तो इसलिए आप मीडिया से भी अनुरोध है उनसे पूछिएगा एक बार। विपक्ष के लोग जो हैं लगातार आपके पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, क्या बीजेपी के नेता आपकी मदद नहीं कर रहे हैं हरियाणा की? बीजेपी के तो हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, गए तभी बोला कि मैं अभी सीएम गोवा से बात करता हूँ, उन्होंने की भी, लेकिन सीएम गोवा का फिर ये बयान आ रहा है जरूरत पड़ी तो अब हम तो हरियाणा में ही पुकार कर सकते हैं हमारी। वो कह रहे हैं कि गोवा पुलिस अच्छा काम कर रही है? नहीं 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 कर रही सर, वो तो गोवा पुलिस से संतुष्ट नहीं है? नहीं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। आप बयान दर्ज हो गए? हाँ जी मेरे हो गए। हो गए क्या आपके? हाँ मेरे दर्ज हो गए। तो जान से संतुष्ट क्यों नहीं, किन कारणों से? गोवा पुलिस से, वो तो हमारे मतलब पहुँचने से पहले ही बगैर कुछ मेडिकल रिपोर्ट के पहले ही मतलब हर्ट फेल बोल रहे हैं वहाँ के सीएम वहाँ के डीजीपी, तो मतलब अब आप ही देख लो भाई क्या है। उसके बाद में हम जाके बोलते हैं भाई एफआईआर लॉज करो, एफआईआर लॉज करो, वो बोलते हैं पहले पोस्टमार्टम होगा। अमन जी कौन मदद कर रहा है? अमन जी वहाँ वहाँ पर हमने बोला भाई हम रीमेडिकल कराएंगे बॉडी का, हम दिल्ली के अंदर आल इंडिया में दोबारा पोस्टमार्टम करवाएंगे। अमन जी मदद कौन कर रहा है? मदद हमारी आप लोग कर रहे हो सबसे पहले तो। सुधीर सांगवान और सुखविंदर की कौन मदद कर रहा है? आप कह रहे हैं कि गोवा पुलिस जो है ठीक से जांच नहीं कर रही है, तो कोई तो मदद कर रहा होगा उनकी? उसकी राजनीति की कर रही है जोर, तो कौन कर सकता? कौन है राजनीति का किंग? कौन है वही तो हम पता लगाना चाहते हैं, नाम तो सामने है अभी कौन है? आपको कोई जानकारी मिली हो कि नहीं? हमारे कोई अभी क्लियर किसी का नाम नहीं हमारे पास। क्या हरियाणा का ही नेता है कोई? हाँ हरियाणा का, उसका कोई बड़ी बात नहीं। आखिर क्यों हरियाणा के नेता, किससे संबंध थे उन लोगों के? क्योंकि ये उपचुनाव से जोड़ के देख रहे हैं हम तो इसको भाई, 2019 में जब विधानसभा चुनाव थे तब सुधीर की एकदम एंट्री हुई और दोबारा जब उपचुनाव आए उससे पहले उनकी डेथ हो गई, तो ये राजनीति तो है ही है, दिखाई दे रहे तो राजनीति की भेंट जो है सोनाली फोगाट को चढ़ा दिया गया है। काफी बड़े-बड़े नेताओं तो ये बयान आपने दर्ज कराए हैं अब 364 में ये तमाम जो? हाँ जो उन्होंने पूछा मैंने दर्ज करा दिया। ये जो उन्होंने पूछा या जो आपके पास है जो अपने बयान? नहीं हम अभी बोल रहे हैं ना भाई इंक्वायरी में बोल रहे हैं, तो भाई आप नाम तो उजागर करो। ये तो मतलब सुधीर सांगवान के ऊपर ही घुमा रखी इन्होंने, तो सुधीर सांगवान और ड्रग्स दो चीजों के ऊपर रोक दिए, केवल ड्रग्स एंगल से जांच बस 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 और कोई एंगल नहीं। वहाँ की पुलिस वीडियो वायरल कर रही है कर्लिस का, जबकि एक महिला की आप सार्वजनिक तौर पर ऐसे वायरल नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है स्पेशली। उसके बाद में ये मतलब एक महिला की सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं उनको ये दिखाने के लिए भाई इसने तो ड्रग्स ली हुई थी। जब आपने पोस्टमार्टम के लिए बोला था तो क्या दिक्कतें आपको सामने आई, क्या जवाब आपको? नहीं वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोल दिया था आपकी मर्जी है कहीं भी कराइए, लेकिन हमारी ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा। अगर आप लोग ये समझ रहे हमारे ऊपर प्रेशर होगा और हम भाई पोस्टमार्टम में कुछ कमी छोड़ देंगे, तो बोला हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी हमने लाइव वीडियोग्राफी भी करवा रखी पोस्टमार्टम की। सुधीर सांगवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया है, और जो हमारा शक था प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मोस्टली क्लियर है, प्रॉपर्टी का उसने हड़पने का ऐसा कोई मतलब कि वो कामयाब नहीं हो सका, प्रॉपर्टी हड़पता कामयाब होता तब भी हम सोच सकते थे भी शायद ही ये प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर हो, लेकिन अब तो क्लियर है। वहाँ इनका इन्वेस्टिगेशन सर्च होती होगी वही करेंगे अभी। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच अभी तक कही नहीं गई है या तो कोई रिकमेंडेशन भी नहीं की गई है। गोवा पुलिस कहती है कि जो उन्होंने जांच की है उसका अगर आपको दिखाया जाए तो बहुत ही मतलब आप परिवार वाले संतुष्ट होंगे। क्या आप संतुष्ट हैं अभी तक कोई जांच आपसे शेयर की गई है? बिल्कुल बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हम गोवा पुलिस से। तो सीबीआई जांच की मांग बरकरार है और कल ही हम मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलेंगे हरियाणा से, और अगर उसके बाद भी हमारी नहीं होती सीबीआई जांच तो हम फिर दिल्ली के रुख में जाएंगे। गोवा पुलिस से तो हम स्टार्टिंग से संतुष्ट नहीं थे, जैसे कि बगैर मेडिकल के ही वहाँ के डीजीपी और सीएम बोलते हैं भाई ये तो हटफेल है, और हम खुद वहाँ पर जाके देखते हैं तो उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल नीला हुआ था, पंचिंग के उनके निशान थे, तो वहीं हम समझ गए थे भी गोवा पुलिस तो गुमराह कर रही है। क्या लगता है काफी नेताओं का ये भी कहना है कि किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है, आप इससे कितना वाकिफ है, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद मेरे पर्सनल जरिए से देख रहा हूँ भाई, 2019 से चुनाव के अंदर सुधीर की एंट्री हुई और 2022 में उपचुनाव होना था तब उनका मर्डर हो गया है। हाँ यही बताया जा रहा है कि उपचुनाव बिल्कुल सामने थे और तैयारी पूरी अच्छे से तरीके से चल रही थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस वक्त जो है उन्हें ये मंजर देखना पड़ा? जी जी जी, मैं सोच रहा हूँ इतनी जल्दबाजी क्या हुई सुधीर को भाई, उपचुनाव से पहले ही उनका मतलब मर्डर कर दिया। सुधीर एक सिर्फ मुहिया है? बिल्कुल बिल्कुल, सुधीर एक मोहरा है, मेन षड्यंत्रकारी उसके पीछे बैठे और उन्हीं के लिए नाम उजागर के लिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा से, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री मतलब कि इसको पता नहीं क्यों सीबीआई को नहीं देना चाहते। चूक कहां नजर आ रही है, क्या लगता है, कुछ आप भी सोच रहे होंगे कि इस वजह से? राजनीतिक षड्यंत्र है जी। हमने प्रॉपर्टी सारी चेक करा ली सोना लीजिएगी, वो सुधीर ने अपने नाम नहीं करवाई है, तो राजनीतिक षड्यंत्र है, क्लियर हो गया अब तो। ये राजनीतिक कत्ल है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। संदेश तो मैं सभी लोगों से, आप मीडिया के द्वारा सभी हरियाणा वासियों से अपील करना चाहता हूँ, भाई उस बेटी सुधरा को न्याय मिला जाए, तो हम सभी लोगों के साथ जुड़ें और हमारी मदद करें सीबीआई मांग के लिए। सुधरा की तबीयत इस वक्त कैसी है, बताया जा रहा है उसकी तबीयत बिगड़ी है और दवाइयाँ उसे दी जा रही है? जी बिल्कुल, दवाइयाँ उसको दी जा रही हैं और मतलब वो बहुत जल्दी इमोशन हो रही है, बार बार इमोशन हो रही है। क्या बच्ची ने खाना खाया? बच्ची ने अभी तो देखो मॉर्निंग में मैं बिजी था, अभी तो पता नहीं, रात को हल्का फुल्का कुछ खा रही तो अदरवाइज नहीं खा रही। गोवा पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, क्या सारा दिन वो यहीं रहने वाली है? हाँ, आज शाम तक तो यहीं पर है। आज शाम तक यहीं पर है। तो गोवा पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है और किस तरह की कार्रवाई करने वाली है, क्या लगता है? देखो अभी वो आई है, उनकी खुद की क्या इन्वेस्टिगेशन है, उस हिसाब से वो कर रही है। के बयान भी यहाँ पर दर्ज किए गए? नहीं, मेरे बयान नहीं दर्ज किए गए क्योंकि मैं गोवा नहीं गया था, मैं यहीं था। तो सिर्फ उन व्यक्ति के बयान दर्ज किए गए हैं जो गोवा गए हुए? हाँ, जो गोवा गए थे उनके बयान हुए हैं, जो यहाँ जो लेबर वगैरह काम करते थे उनके दर्ज हुए हैं, उनके दर्ज करेगी पुलिस अभी। आप कितना संतुष्ट है गोवा पुलिस से? चलो, मेहनत तो कर ही रहे हैं वो, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, यहाँ आने से सबूत इकट्ठा करने की सोच रही हैं, सबूत वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? वो इतना शरीफ इंसान था, वो सबूत छोड़ेगा? वो ये है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, गोवा पुलिस उसको नहीं खोल पा रही है, तो उसको एक बार हिसार घुमा ले जाओ, हिसार पुलिस के पास छोड़ जाओ, दो एक घंटे सारी बात सामने आ जाएंगी। गोवा पुलिस क्लियर बात नहीं कर पा रही है, क्लियर नहीं कर पा रही है, तो उसको गंजे को इनके पास दो घंटे के लिए छोड़ जाए, हिसार पुलिस के पास, अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या था क्या नहीं था, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। और बाकी यूँ जो घूमते रहो, डायरी इकट्ठे कर रहे हैं, कैमरे कहाँ थे वहाँ कहाँ थे, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही है पैसा और प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ है। क्यों करेंगे उपचुनाव से, मतलब कौन करवाएगा? कोई जैसे किसके बीच में अड़ने वाली थी सोनाली, कौन वो? जैसे आप राजनीतिक कह रहे हो, राजनीतिक कौन? राजनीतिक उपचुनाव में और राजनीति से और सोनाली का क्या मेल हुआ आपस में? उम्मीदवार तो जैसे बीजेपी के तो कुलदीप बिश्नोई है ही, बस वो है ही, क्लियर है उनकी, तो उसमें कोई शक थोड़ी था भी। देखते हैं कौन लड़ेगा, वो तो टिकट उनकी है, वो लड़ेंगे, पूरे प्रदेश को पता है, तो उस बात को उससे जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है मेरे हिसाब से। तो व्यवहार तो झूठा, एक नंबर का व्यवहार थोड़ी था उसका, थोड़ा बहुत तो पता होगा, एक नंबर का झूठा जबानतराश चुगलखोर, वो इंसान किसी का नहीं है, अपने छोटे छोटे तीन तीन चार चार साल बच्चे छोड़ चार चार साल के बच्चों को छोड़ के आया था, उनको भी छोड़ दिया, उससे उनके ऊपर से भी बाप का साया हटवा दिया और इससे भी माँ का साया छीन लिया, अब आप देख लो कैसा आदमी था वो। फिलहाल लगातार जो है हम कोशिश इसी से कर रहे हैं कि इनके परिजनों से बातचीत हो पाए, और परिजनों से बातचीत भी लगातार हो रही है। बात कर ले वतन ढाका जी की, या फिर कहा जाए उनके जीजा जी की, या उस छोटू की जो यहाँ पर गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो जो व्यक्ति गोवा में गए थे उनके बयान को लिख लिया गया है, सिर्फ उन्हीं के बयान को लिया गया है। और अगर बात करूँ तो परिजनों में से ही कुछ का कहना ये है कि शायद ये राजनीति के कत्ल भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ छोटू का कहना है जी नहीं, ये प्रॉपर्टी के लालच में आके सुधीर सांगवान ने ही जो है इस काम को अंजाम दिया, सुधीर सांगवान ने ही जो है सारी सभा बिठाई और उन्हें मारने का पूरा प्लान किया। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें मैं आपको फार्म हाउस की दिखा सकती हूँ, लगातार आपको शायद नज़र भी आ रही होगी। इस वक्त गोवा पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और साथ ही साथ सारा पुलिस प्रशासन सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। लाइव अपडेट मैं आपको लगातार देती रहूँगी, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहिए, यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है और सारी अपडेट तो आपको लगातार मिलती रहती है चटविनी न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन फिलहाल सब कुछ शांत हो गया है और अभी तक जाँच पड़ताल अंदर जारी है, लेकिन आगे क्या होगा वो आपको मैं बाद में बताती नजर आऊँगी। आशीर्वाद लहंगा शेरवानी व पार्टी वियर ड्रेस किराए पर मिलती हैं, SCF 113 फर्स्ट फ्लोर राजगुरु मार्केट हिसार, बुक करने के लिए अभी संपर्क करें।